हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लर्न एनीथिंग पे। दोस्तों, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है लर्न एनीथिंग, तो मैं इस चैनल पर कोई एक चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाऊंगी। जो भी मुझे अच्छा लगे वो मैं बनाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है। सर्दियों में ड्राई स्किन वालों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अजीब सी रूखी रूखी हो जाती है, हर 10-15 मिनट के बाद ऐसा फील होता है हमें कि हमें मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत है। पूरा खिंचा खिंचा सा लगने लगता है। तो ये ड्राई स्किन वालों की पहचान है। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ और आपको एक अच्छा सा क्रीम बताऊँगी और एक होम मेड भी बताऊँगी मॉइस्चराइजर। तो देखते हैं कैसे बनता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, फल सब्जी आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये सब ज़रूर खाएं आप। और पानी की मात्रा बराबर रखें, जितना आप गर्मी में पीते थे उतना ही ठंड में भी पिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं होममेड मॉइस्चराइजर कैसे बनता है। तो हमें इसके लिए चाहिए होगा बीज वैक्स। एक्चुअली ये बीज वैक्स जो है ना, हनी हनी से निकलता है। तो बीज वैक्स लेना है 1 से 1.5 चम्मच। ये आपको आसानी से मार्केट में या ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, तो ये मिल जाता है। उसके बाद है, कोई भी एसेंशियल ऑयल होना चाहिए, लेमन, मिंट, लैवेंडर, कोई भी 2 to 3 ड्रॉप। उसके बाद एलोवेरा जेल 1 to 1.5 स्पून और नारियल का तेल 1 से 1.5 चम्मच और बादाम का तेल 1 से 1.5 चम्मच। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप एक साथ मिक्स कर लो और ऐसा एक बना के पेस्ट आप किसी कंटेनर में रख लो। और जब भी आपकी अगर त्वचा रूखी लगती है, इसे हल्का लेके अपने पूरी स्किन पे अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छा होममेड मॉइस्चराइजर मैंने बताया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको एक मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट बताती हूँ, वो है निविया सॉफ्ट क्रीम। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगर आप प्रोडक्ट लेते हो ड्राई स्किन के लिए तो यही क्रीम लेना बहुत ही अच्छा है। ड्राई स्किन वालों के लिए इससे बेहतर मॉइस्चराइजर और कोई नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी एंड बाय इट। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।